उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़े अंतर से समाजवादी प्रत्याशी विनय तिवारी को हरा दिया है। आज काउंटिंग के दौरान पहले राउंड से ही बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी थी। अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के अमन गिरी को 1,24,810 वोट जबकि सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को 90,512 वोट हासिल हुए। इस तरह से कुल 34,298 वोट के अंतर से बीजेपी को जीत मिली। आपको बता दें कि अमन गिरी गोला गोकर्णनाथ के पूर्व बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के बेटे हैं। यहां अरविंद गिरी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव जीतने के बाद अमन गिरी ने जनता और वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया। आप एमएलए बने आगे के पहले गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय पिता से बड़ी जीत आपकी है, इस तरह से मेरी हमारी जीत नहीं है, पिताजी की जीत है। उन्हीं का इलेक्शन था, उन्हीं का इलेक्शन है और हमेशा से ही उन्होंने जब भी इलेक्शन लड़ा हमेशा चुनाव में वोटों में उनकी बढ़ोतरी हुई है और इस बार भी उन्होंने। वही सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने हार के बाद आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया था जिसका असर नतीजों पर भी देखने को मिला। सरकार से हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हुआ। फिलहाल जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी अमन गिरी को जीत के लिए बधाई दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,